और रायघाट पे जाके देख लो तुम, वहां मुर्दे पड़े, 8-10 मुर्दे पड़े आदमी, मतलब तुम्हारी कल्याण मतलब सिवा बदबू और बीमारी को दूसरी चीज नहीं है, मगर वह मुर्दे देखो खुशबूदार पेड़ों के नीचे लेट रहे हैं, खुशबूदार खुशबू निकल रही है पेड़ों से, फूलों से निकल रही है, 24 घंटे फुहारे चल रहे हैं, कहीं मुर्दे गर्म ना ठंडे रहने चाहिए, उसके बाद भी चैन नहीं है, 4-5 पुलिस वाले भी स्टेशन ले गए, कहीं मुर्दे रात को उठकर भाग जाएंगे, और तुम्हारे यहाँ मतलब कोई झगड़ा हो जाए तो FIR तो बहुत मुश्किल काम है, बिना पैसे के लिए FIR दर्ज नहीं होगी, मगर मुर्दों के पास ना कोई झगड़ा हो रहा ना कोई लफड़ा हो रहा, मगर 24 घंटे AK-47 ले खड़े, 24 घंटे पानी फ्री ऑफ कोर्स, वहां की चिंता नहीं है तुम्हारी चिंता है, और तुम फ्री के चक्कर में लगे हो, और यहाँ तो सुरक्षा का ही आलम है कि कौन कोई दिन ऐसा है कि कौन यहाँ मतलब चेन छीन रहा चपट रहा, कौन से दिन महिला को नहीं छेड़ रहा, और पहले जो मुख्यमंत्री तो बोलते थे कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये दलील देते तुम्हें, यदि हम यही काम करते रहे तो भाई फिर कैसे बात बनेगी, ये तुम्हें देंगे नहीं और तुम कभी लोगे नहीं, तुम राजा बनोगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी, तो इसलिए हमें राजा बनना जरूरी है, अब ये जिद करनी पड़ेगी कि हमने इनको 72 साल तक बनाया, 5 साल एक बार तुम खुद अपनी सरकार बनाकर देख लो, अंतर देख लेना, यदि तुम्हें फायदा हो जाए तो अगली बार वोट दे देना, और यदि फायदा ना हो तो मेरा जैसे वोट मांगने नहीं आएगा, तैयार हो, बनाएंगे बहन जी को प्रधानमंत्री, दोबारा हाथ खड़ा करके बात करेंगे, जाएंगे घर घर मांगेंगे वोट सबसे, जो मैंने बताया इतनी बार बता देना लोगों को, झिझोर देना एक बार तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये तो मैं भाषण की बात कर कैडर की बात करता हूँ, मैं 50 आदमी 49 का दिमाग खराब कर दूंगा, तुम 50 लड़के ले आना, 49 लोग मतलब दिमाग खराब ना, जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया वो बता दूंगा मैं तुम्हें, जब कैडर क्लास चलती है तो उसका महत्व अलग है, ये भाषण है, यहाँ तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे भाई क्या बोलने लग गए, कोई ट्रेड भी करके ले जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, यदि गरीबों को अपनी गरीबी दूर करनी है कोई तुम्हारी गरीबी दूसरा दूर नहीं करेगा, जो इन महापुरुषों की चाहत, बाबा साहब ने उंगली किधर दिखाई है, किसी के घर की तरफ तो की नहीं ना, उन्होंने अपनी कोठी की तरफ उंगली करी, मेरे घर आ जाओ, कहां उंगली की, पार्लियामेंट, कैप्टन स्टैम्पल ऑफ पावर फॉर इरिवेंस से सत्ता के मंदिर पर गरीबों का कब्जा कर लो, सारी समस्याओं का यहां से समाधान होगा, मगर हमारे लोग वहां जा रहे नहीं जाते, और जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे, जब तक गरीब के बेटे वहां जाएंगे नहीं, तब तक तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता, प्लानिंग कौन बनाता है, जिसके पास सत्ता है, अब प्लानिंग किसकी बनी, पहले तो रोज मल्ला कभी सिलेंडर सर पे हुई ईरानी, क्या नाम था, सिमरता ईरानी, कभी यहां मतलब सिलेंडर लेके नाचती थी, कभी डीजल का मतलब ड्रामा करती थी, सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा मतलब डीजल किसने महंगा किया, किसको फायदा हुआ उसका, उद्योगपति को है ना, अंबानी को है ना, और किसकी जेब में से गया, गरीब के पैसे चला गया, अब एक भी आदमी ने बोला ना, देश का मीडिया बोल चीख रहा, कोई नहीं चीख रहा, क्या चीख रहे, अरे मायावती ने वहां हाथी खड़े कर दिए, उनके पैसे मायावती को जमा करने चाहिए, क्या चीख रहा मीडिया, मायावती ने तुम्हारे महापुरुषों को सम्मान दिला दिया, वहां पर हाथी लगा दिए तो उनके पैसे मायावती दे देंगे भाई, क्या दिक्कत की बात है, पर तुम्हें भी देने पड़ेंगे जितने तुम्हारे महापुरुषों को लगे, तुम ये रोज कुंभ पुंपल मचा रहे हो, 400 करोड़ रुपए लगाया अभी, 4000 करोड़, तो जब से मतलब सरकार बनने लगी है भाई, जब से देश आया उसका हिसाब किताब तो हम भी दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है, और वो पार्क आज यदि ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा कोई इस देश में पसंद किया जा रहा है, जो बहन जी ने पार्क बनाया उनको पसंद किया जा रहा है, यदि आज सरकारी अमन भी कहीं से सबसे ज्यादा ताजमहल के बाद है तो बहन जी के बनाए द्वारा बनाए हुए पार्क, जितनी फिल्म इंडस्ट्री है सब वहां जाके शूटिंग कर रही है, देखा ना आपने कौन सी पिक्चर बनाई थी BLA, पता नहीं कौन सी बनाई, सुनो ना,
एक करोड़ रुपए मतलब 10-10 करोड़ रुपए लिए उन्होंने एक गाने की शूटिंग करने के लिए। किसके अकाउंट में? मायावती जी के अकाउंट में क्या? सरकार के अकाउंट में चल गया। इन्होंने जितने मतलब मुर्दे घाट बना रखे हैं, इनसे कौन सी आमदनी हो रही है भाई? जहां से आमदनी हो रही है, क्योंकि उन्हें गरीबों का सम्मान बर्दाश्त नहीं है, उन्हें गरीबों का मतलब ना कोई महल पसंद नहीं है, वो 24 घंटे तुम्हें गरीब का गरीब बनाए रखना चाहते हैं। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर है जो गरीब के बेटे को राजा बनाना चाहती है, और नहीं सारी पार्टी बोलते हैं आप हमें राजा बनाओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। कितनी बार बना दिया उनको, कितना मौका दे दिया, मगर तुम्हारी गरीबी दूर हुई, तुम्हारी बेरोजगारी दूर हुई, महंगाई दूर हुई, भ्रष्टाचार दूर हुआ, कुछ भी दूर ना हुआ, ना हुआ ना होगा। तो इसलिए साथियों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहां से जाएंगे अपने गली मोहल्ले में, जितने हमारे नौजवान साथी हैं ये नौजवानों को तैयार करेंगे, जोश नहीं दिखाना, एक दिन जोश दिखाना सिर्फ, जिस दिन बटन दबाना है एक दिन मतलब चुनाव चिन्ह हाथ में मोहर लगा देना, बटन दबा देना, बस सारी ताकत का पता लग जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी मतलब जितना लोग ये तुम्हारे पीछे आ लगे हुए, ये तुमसे यहाँ मांगने ना आ जाए तो मेरा नाम बता, ढूंढेंगे प्रभारी कौन है भाई, अध्यक्ष कौन है भाई विधान मतलब BSP को, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो कह रहे भाई लल्लू फत्तू इनसे क्या सरकार चलेगी, मगर जब सरकार चली तो ऐसी चली कि 50 साल तक कोई मायका लाल 72 साल तक ऐसी सरकार नहीं चला पाया, जैसे व्यंजन 4 बार सरकार चलाई। वहां साहब जो हमारे लल्लू फत्तू बता रहे थे, ढूंढते घूम रहे थे लोग ये बता भी कहाँ है वो BSP का नेता, अरे वो यार महले से कुर्ता पहन के घूमता था, कहाँ है वो, जिनके कपड़ों से बदबू आती थी उनको अपनी गाड़ी में 1-1 करोड़ की गाड़ी में ले घूम रहे थे। तो जब आपका सम्मान बढ़ेगा, जब आपकी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, आप राय पार्टी में शरीक होंगे तो आप सबकी ताकत बढ़ेगी। और यदि हम मांगते रहेंगे और दूसरे को राजा बनाते रहेंगे तो भाई कुछ भला नहीं होने वाला, जब 72 साल में नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करते हुए आप सब लोगों ने हाथ खड़े किए ईमानदारी से, सुना भी है पूरी ईमानदारी से, तो मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी बात यदि पसंद आई है तो मैं नारे के साथ बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो।